तो फिर आज हमारा काम शुरू हो गया है, पूरी घास उखाड़ने का। हमने दवाई डाली थी यहाँ घास जलाने वाली, तो थोड़ी देर में ही बारिश हो गई थी इसलिए पूरी दवाई बर्बाद हो गई है। और ये एलोवेरा परसों तब जब ओले पड़े थे तब पूरा काले पड़ गए थे, अब थोड़ा इनमें जान आ गई है। और मेरा धनिया पक गया है तो धनिया भी उखाड़ना है, आज धनिया भी उखाड़ना है हमने, धनिया भी उखाड़ना है और बीज भी बोने, जो मैं पद्मपुरी से इतने सारे बीज लेके आई थी पन्नी में। इसमें है लौकी, लौकी के लौकी ककड़ी और ये मीठे करेले। देखो इतने सारे बीज लेके आई हूँ मैं, इनको बोते हैं। और मैंने थोड़ा सा धनिया उखाड़ा भी है, चलो फिर फटाफट से धनिया उखाड़ते हैं, पक गया है जो, फिर इसको माड़ेंगे। माड़ोगे? ये घास भी उखाड़नी है ना, ये एलोवेरा खराब हो जाएगा ऐसे हमारा, इसके चारों ओर घास। हाँ एलोवेरा भी खराब हो जाएगा और यहाँ चूहे भी हैं और सांप की भी डर है, तो बरसात के दिन शुरू हो गए तो इसलिए पूरी घास उखाड़ देते हैं इस तरीके से। फाइनली हमने अब आधा धनिया उखाड़ दिया है, ये वाला धनिया मैंने उखाड़ा है और ये वाला बुलबुल ने उखाड़ा है। और ये हमारी इतनी सारी धनिया जो अब बुलबुल उखाड़ गई है। बुलबुल आपकी फर्स्ट टाइम मेहनत थी ये खेत में, हमारी मेहनत रंग ला गई है और इतना सारा धनिया और है तो मुझे लगता है कि ये एक हफ्ते का धनिया मसाला तो हो ही जाएगा, पावर निकल जाएगा। हमारे खेत में ना यहाँ पे धनिया तो बहुत अच्छा जमा है ये, लेकिन इसमें हाजरी के फूल जम गए ज्यादा है। लेकिन ना जो हमने बगल में बीन्स बो रखे थे तो ये बीन्स में सारा ये हाजरी जम गई, तो इसलिए हमारे बीन्स हो नहीं पाए। तो हुए हैं लेकिन अच्छे से नहीं हो पाए, मतलब थोड़ा सा। तो बुलबुल और मुझे दोनों को बेटर लग नेक्स्ट टाइम। अब हम यहाँ पे खेत में मीठे करेले, कद्दू, लौकी ये चीज बोएंगे, ककड़ी भी बोएंगे। हाँ पहाड़ी ककड़ी, थोड़ा पहाड़ी ककड़ी बोने का सीजन ज़्यादा हो गया लेकिन हम बोएंगे। बीन्स दिखाता हूँ मैं आपको अपने, ये देखो ये मेरी बीन्स, ये है ऐसे लगी है बट ये हाजिरी लग गई पूरी ना पूरे खेत में, इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि इसमें फूल ना पहले से गिरे हुए थे। फूल पहले से गिरे हुए थे ना, जिस टाइम हमने खोदा था फर्स्ट टाइम तो उसी टाइम फूल गिरे हुए थे, तो वो दोबारा ऐसे उग गए हो इस वजह से ऐसा हो गया भाई। नहीं तो हमारी बीन अच्छी खासी हो जाती है, एक सब्जी तो निकल गई है, एक टोकरी मतलब बहुत बीन निकली है खाने लायक। ये जो धनिया है ना ये वाला, ये बहुत अच्छा था जब शुरू में जमा था ना, बहुत अच्छा था लेकिन पका नहीं था सही से, जमा बहुत अच्छा था, दाने अच्छे आए थे, लेकिन हुआ क्या बताऊँ आप लोगों को। बुलबुल घर गई थी मायके, मायके से यहाँ आई फिर चार पांच दिन फिर मायके भाग गई। मैं एक महीने में आई थी, फिर दोबारा से 9 दिन में फिर वापस चली गई थी। इसको आने तक ओले पड़े और ओले से सारे धनिया के दाने गिर गए, दाने गिर गए लेकिन फिर भी बहुत दाने लगे हुए हैं। ये सब आपकी वजह से हुआ, मेरे उससे क्या हुआ भाई, आप भी तो खा सकते थे धनिया का। ये कल कब आई मायके से? हाँ परसों शाम को मायके से यहाँ पहुंची, शाम को 4-5 बजे। इसको रात को 8-9 बजे फिर से मायके की याद आ गई और कह रही मैं कब जाऊँ बल्लभ। मायके की याद तो आती है ना, तो हर किसी को आती है, मायके जाके पति की तो आती नहीं है, पति तो हमेशा अपना ही होता है। तो वो भी तो अपने ही है, वो किसी और के थोड़ी है, लास्ट में यही रहता है ना कि घर तो पति के घर ही आना है। साल वहाँ भी तो थे आप तो मतलब ये थोड़ा ना कि मेरे मम्मी पापा की भी तो मेरे को भी तो याद आती है ना। तो यहाँ पर मैंने धनिया एक कट्टे में रख दिया है, धूप में सुखाऊंगी तो इसको 2-4 दिन धूप दिखाएंगे तो फिर ये सूख जाएगा, फिर इसमें से दाने अलग करेंगे तो इसकी झाड़ी को हम फिर फेंक देंगे। तो अभी गोकुल जी वहाँ खेत खोद रहे हैं तो इसमें बोएंगे आज लौकी कद्दू के बीज बोएंगे, और इधर पूरा खेत में फूल ही फूल जम गए देख सकते हैं, हाजरी हाजरी हैं। और यहाँ पर एक बेल हमारी ये जमी है, एक बेल उधर जमी हुई है जो तार के साथ लगी है, और 2-3 बेल यहाँ जमी हुई है। तो यहाँ पर बीन तो लगी है लेकिन इसमें ना झाड़ी उग गई है, बीन से ज़रा तो झाड़ियाँ उग गई हैं। और आजकल कौन कौन से बीज बोते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो हम उसी हिसाब से और खेती करेंगे
हमें पता नहीं है ना आजकल कौन कौन से बीज बोते हैं, बस इतना पता है कि लौकी कद्दू और मीठे करेले बोते हैं। सब्जी में बताना आप, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आजकल कौन सी सब्जी लगाते हैं या बोते हैं। ये हैं इतने सारे फूल हाजरी के, तो इनको हम यहाँ किनारे किनारे लगा देंगे। तो मैं इनको पुटली से लगा देती हूँ, तो गोकुल जी पूरा खेत साफ करेंगे। तब तक फूल लगा दो किनारे किनारे, ऐसे किनारे किनारे लगा दो, तब तक ये दीपावली में अच्छे खासे फूल हो जाएंगे। दीपावली में माला बनाएंगे, दीपावली में माला बनाएंगे इसकी। चलो फिर मैं फूल लगाती हूँ फटाफट से। हम चला तुम्हारा यहाँ पे पहले बुलबुल ने फूल लगाए थे बहुत सारे, लेकिन वो फूल ना अच्छे वाले नहीं थे, वो काठी वाले फूल थे। इसलिए हम अभी दूसरे बगीचे से फूल उखाड़ के लाए हैं। ये अच्छे वाले हाजरी है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे फूल आएंगे। तब हम आपको दिवाली में माला बना के दिखाएंगे। और जिसको फूल चाहिए तो यहाँ से ले जाना। किसी को फूल चाहिए तो यहाँ से ले जाना भाई, दिवाली में ना, दिवाली में। कमेंट करके ऑर्डर कर देना, भेज देंगे हम यहाँ से, भेज देंगे एड्रेस पे, भेज देंगे एड्रेस बता देना अपना। ये कीतौल है, जब बचपन में कीतौल देखती थी ना तो मेरे को लगता था कि ये सांप है ना, तो मैं उस रास्ते से आती नहीं थी और मैं कितनी देर तक वहाँ पर रुकी रहती थी। मम्मी लोग को आवाज़ लगाती थी, मम्मी लोग मेरे को ना लेने भी नहीं आते थे, ऐसे बोलते थे आना तो आने तो वहीं बैठे रहो। तो मैं बड़े डर डर के ना आती थी घर पर। देखो कैसे अंदर घुस गया वो, अब लग रही नहीं, लग रही डर, डर तो लगती है हाथ छूने में, लेकिन वैसे वैसे अब मुझे पता चल गया कीतौल कैसा होता है, वो कैसा होता करके। आप बचपन कैसे होंगे ना, छोटी सी बुलबुल फ्रॉक पहने हुए। डर लगती है कीतौल को देख के। अभी भी यहाँ बहुत सारे कीड़े हैं, शंख वाले भी कीड़े हैं। क्या बोलते हैं उसको, मुझे नहीं पता, शंख वाले कीड़े, मैं तो शंख वाला कीड़ा कहती हूँ। ये देखो कीतौल, ये कैसे नाच रहा सांप की तरह। देखो ये, मैं ऐसे दबा देती हूँ मिट्टी से, अपना जाएंगे अंदर खेत के। कैसे डर रही है बुलबुल देखो कीतौल से। जब जब गांव में गोबर उठाना पड़ता ना, तब गोबर के अंदर कीड़े दिखते कीतौल बहुत सारे। गोबर के अंदर बहुत होते हैं ये देखो, इसके अंदर भी है ये। छी, ऐसे तो अंदर भी आ जाते हैं। अब पता है ना मेरे को कीतौल कैसा दिखता है और वो कैसा होता करके, मुझे लगता है डर। अब कल लगाएंगे वो इसको, कहीं पे रोप दो ना। ये है हमारे बीज, ये है ककड़ी और ये है कद्दू और ये है मीठे करेले, लौकी का बीज ये है, ये है लौकी का बीज। इनको बो देते हैं थोड़ा सा, क्या पता बरसात में हो जाए खाने लायक ना। बो दूँ? हाँ चले। अच्छा कहाँ पे बोओगे? यहाँ पे बोएंगे, आड़ू के पेड़ के वहाँ पे बो देते। पहले बुलबुल यहाँ पे थोड़ा कुदाल से सफाई करेगी और उसके बाद हम यहाँ पे बीज बोएंगे। ये पहाड़ी ककड़ी हैं, जब हमारी ककड़ी लग जाएगी ना तब हम आपको भी दिखाएंगे। तो फाइनली मैंने सारे फूल लगा दिए, सारे फूल लगा दिए। ये अच्छे वाले फूल हैं, ये अंकल जी ने दे रखे, तो ये हैं बीज, अच्छे वाले बीज हैं। तो इसमें इतने बड़े गेंदे के फूल लगेंगे, और जिसको भी चाहिए कमेंट करके बताएं और अपना एड्रेस दें, तो हम आपको उसी एड्रेस में भेजेंगे दीपावली के टाइम पर, अगर फूल लगे तो तब। हाँ तो भी हमने अभी एक ही खेत थोड़ा सा, मतलब एक कैरी साफ कर रखी है, तो अभी हमारा टाइम हो गया ऑफिस को जाने वाला। फिर गोकुल जी को भी देर हो जाएगी और नाश्ता भी बनाना है, इसलिए अब अभी हम इतना ही करेंगे, बाकी का काम कल करेंगे। तो अभी थोड़ा बहुत, और ये है धनिया, धनिया मैंने कट्टे में रख दिया सुखाने के लिए, तो ये 2-3 दिन में सूख जाएगा, फिर इसको तब मड़ाई करेंगे, इसके मतलब इसके दाने अलग करेंगे। बस इतना ही है आज का काम, बाकी ये वाला फूल भी लगा रखा है, इसको भी अभी नर्सरी से लेके आए हैं, तो इसमें पानी डाल दिया तो उसमें ये वाले फूल लगते हैं, ये वाले, तो उसमें देखते कि ये होता कि नहीं होता है। पानी भी डाल दिया है, फूल हो जाएगा। चलो फिर अभी मिलते हैं थोड़ी देर में नाश्ता।
बनाते हैं। मेरे हाथ ऐसे हो गए हैं, नाश्ता बनाते फिर मिलेंगे अभी आपसे थोड़ी देर में। फाइनली आज का हमारा काम पूरा हो गया, तो अब बुलबुल हाथ पैर धोएगी और नाश्ता बनाएगी मेरे लिए ऑफिस के लिए। मिट्टी नहीं निकल रही, साबुन से धोना अंदर, अभी खाली ऐसी धो दो मिट्टी मिट्टी। तो आज बड़े दिनों बाद धूप आ रखी है यहाँ, तो आज हमने रजाई वगैरह कपड़े वगैरह सब बाहर धूप में सुखाने डाल दिए हैं। और ये फोल्डिंग चारपाई ये भी धूप में रख दिए सुखाने के लिए, सीलन से पूरी ख़राब हो रही थी। बाकी हमारा सामान आज पूरा कमरा साफ करना है, क्योंकि बहुत एक महीना हो गया था, एक महीने से सफाई नहीं करी थी, तो सारा सामान निकाल के बाहर रखा हुआ है। कुछ इस तरह से हो रखा है यहाँ। और आज का मौसम कुछ ऐसा है, एकदम मस्त खिलती हुई धूप आ रही है, अभी थोड़ी देर के लिए आ रही है धूप, ये फिर 3-4 बजे से फिर बारिश शुरू हो जाएगी, जो भी मस्त वाली धूप आ रही है। और कुछ ऐसा ही मौसम है आज। तो ये दाल भी हमने धूप में सुखाने डाली है, तो इसको बहुत दिन हो गए, तो इसमें सीलन वगैरह आ रही है, तो इसलिए धूप में रखे। और ये मसूर की दाल है, तो इसको भी धूप में रखा गया है सुखाने के लिए। और इसमें है सफ़ेद वाले भट्ट। तो फिर अभी मेरी टाइमिंग हो गई है घूमने की, अभी टाइमिंग हो रहा है 6:30 से ऊपर हो गया टाइम, तो मैं घूमने जा रही हूँ। और अभी आज बारिश नहीं हुई पहली बार, क्योंकि 3-4 दिन से रेगुलर बारिश हो रही थी। तो अभी मैं आपको यहाँ का मौसम दिखाती हूँ, अभी थोड़ा सा धूप चली गई है। तो आज का मौसम कुछ ऐसा है, अभी तो खैर बारिश नहीं आई आज, तो थोड़ी सी गर्मी भी है और थोड़ा मौसम कुछ ऐसा है, धूप तो चली गई है लेकिन बादल लगे हुए हैं, थोड़ी सी उमस हो रही है और तो कुछ नहीं है, बाकी मौसम मस्त और है। चलो फिर मैं भी घूमने जाती हूँ। और आप इस पेड़ में देख सकते हैं कि ये पेड़ है तिमले का, और इसमें कितने सारे फल लगे हुए हैं, तिमला लगा हुआ है, ये देखिए पूरा पेड़ तिमले से भरा हुआ है। और इसको अंजीरी भी बोलते हैं, मतलब अंजीरी की ही प्रजाति है, इसको वैसे भी खाते हैं फ्रूट्स के रूप में, और ये सब्जी भी बनती है इसकी जो काफ़ी टेस्टी होती है। और अभी यहाँ का गांव देख सकते हैं, ये है तल्ला ग्वाड़, जो यहाँ लोगों ने खेतों में रुपाई वगैरह कर दी है, और यहाँ लोगों ने धान और मड़वा लगा दिया है, बाकी दाल वगैरह भी बो दी है। तो देख सकते हैं कि लोग अभी भी खेतों में नीचे, ये देखो यहाँ लोग अभी भी खेतों में नीचे काम कर रहे हैं। और कितना मस्त मौसम हो रखा, पूरा हरा भरा, हरियाली हो रखी है खेतों में, यहाँ काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है, मस्त वाला। आज मेरा एक पार्सल आ रखा है, और एक कौन किससे आ रखा है, मीशो से ना, मीशो से गोकुल जी ने कुछ मंगा रखा, देखते कि क्या मंगाया है। खोलो, क्या मंगाया आपने? तो गोकुल जी ने खोल दिया है, देखते हैं क्या आया है। खोलियो जरा भाई, क्या मंगाया आपने मेरे लिए? ये तो वन पीस है, ये खाली ऊपर का है, मस्त लग रहा ना, अच्छा लग रहा है। पहन के भी दिखाओगे? पहन के कल दिखाऊंगी, मस्त लग रहा है, अच्छा है, मस्त लग रहा है। आज दिन भर का काम हमारा यही था कि खेत में गए, खेत में हमने धनिया उखाड़ा और धनिया मारा, उसके बाद फिर फूल वूल लगाए और बीन्स तोड़ी, और उसके बाद खेत में थोड़ा सा खुदाई वुदाई करी, क्योंकि खेत में बहुत सारी घास हो रही थी वो उखाड़ी, तो फिर आप बहुत ज़्यादा थकान लग गई है। तो मैं अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ, आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलो फिर अब मेरा खाना वाना भी बन गया, हम खाना वाना खाते हैं, और बहुत ज़्यादा थकान लगी है, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, गुड नाइट सभी को, बाय बाय।